क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई थी? दरअसल 1826 में भारतीयों को वेस्टर्न मेडिसिन सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए साउथ बॉम्बे में एक इंडियन मेडिकल स्कूल शुरू किया गया था, जिसमें सर्जन जॉन मैकलेनन मुख्य चिकित्सक थे। हालांकि यह स्कूल 6 साल से अधिक नहीं चला। फिर इसके बाद देश का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल स्थापित किया गया। इसे अंग्रेजों के सबसे प्रिय शहर कोलकाता में खोला गया था, जिसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1835 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। 2020 के आंकड़ों के अनुसार आज देश में 542 मेडिकल कॉलेज है और हर वर्ष 67,000 MBBS डॉक्टर्स इंडिया में बनते हैं।